राम राम भाई, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ मैं अपना डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। जीजा गाड़ी ले रहे हैं, तो आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, वो मैं रास्ते में बताऊंगा। तो पहले अभी जल्दी से लंच कर लेते हैं, फिर निकलते हैं, और लंच में मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। यो लंच में बनाया अपना देसी टीकड़े बना रखे थे मम्मी ने, हम इसे देसी भाषा में हम टीकड़े बोलते हैं, तो लोग कुछ कुछ और भी बोलते हैं। और भाई अपना बनने के बाद ऐसे सजावट कर ली, कुछ भी कर सकते हो ऐसे। तो अपना मक्खन लगा के देसी वो है, क्या बोला है ना, नूनी घी है भाई। और अपना इसमें कॉर्नस डाल दिए, ये तो कुछ भी डाल लो ऊपर, तो टेस्टी बनाता है। थोड़ा सा मसाला छिड़क लिया था, प्याज व्याज। और अपनी ये राबड़ी, इसने भी कोई कोई क्या बोला, खाट्टा बोला है या कुछ, मतलब सबके भाई अलग अलग नाम है, हम इसने राबड़ी बोला है। बाकी अपने नाश्ता करके अपना निकलते हैं, मम्मी भी जाती बट मम्मी का तो भाई टांग टूट रही है मम्मी के मार गया ऑटो वाला, हाथ में लग गई और पैर में लग गई, तो मम्मी का तो चल रहा है बेड रेस्ट। हम निकलते हैं खा पी के और रास्ते में मिलते हैं आपको। तो तपते ही धूप में निकल चुके हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो होगी। तो पहले हम डिलीवरी लेंगे, उसके बाद में वो क्लिप लगाऊंगा जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी भाई निकल चुके हैं, अपना गम चले गए, इतनी गर्मी है इसकी वजह भाई बहुत फायदा हो रहा है इसकी वजह से, बस इन्हें नहीं आने दे रही, बार बार हल्का फुल्का आते पूछ ले रहा हूँ। तो भाई ये जल्दी से आप शोरूम पे पहुंच के आपको मिलते हैं और दिखाते हैं कौन सी गाड़ी ली है। तो भाई जाम में फंसे हो गया। बाकी आजकल आप YouTube पे देख रहे होंगे कि नंबर वंबर का बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है, नई गाड़ी पे भाई नंबर चढ़वाना है VIP वाला। तो इस चक्कर में भाई अपना जीजा भी दुखी हो रहा है, नंबर ढूंढ रहे हैं फुल कि कोई फैंसी नंबर मिल जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली ले लो, क्यों पैसे फूकने। तो देखते हैं फैंसी नंबर मिलता है दिखाता हूँ आपको, बाकी सर्च कर रहे हैं, ज्यादातर तो सारे ऑक्यूपाइड है, कोई मिलेगा ढंग का तो आपको दिखा। तो हम करने आए हैं गाड़ी की PDI, तो PDI मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो इसमें हमने बेसिकली क्या क्या चेक करना होता है ये चीज़ मैं बता देता हूँ, बाकी हम तो कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप टायरों का साइज वो देख लीजिए कि मैन्युफैक्चर्ड कौन सा है, ज़्यादा से ज़्यादा टायर 3 महीने पुराने होने चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर मत लेना। टायर आप चेंज कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ मिलेगा। ये देखो, ये ऐसे में मिलता है, ये वो होता है इसका मंथ और ये ईयर, जैसे 5th मंथ और 21 का। तो ज़्यादा पुराना टायर मत लेना, फिर वो सूख जाते हैं। बाकी बॉडी लाइन पूरी चेक करनी पड़ती है, कहीं रस्ट ना लग रहा हो, ये रबड़ हटा के, रबड़ हटाना ये नहीं, ये रबड़ वगैरह हटा के देख लो कि कहीं रस्ट वगैरह तो नहीं लग रहा। ये सील पूरा कंपनी की पूरी सील वील चेक कर लेना, कोई भी पार्ट गाड़ी का रिपेंट तो नहीं है ठीक है। और अपना डिक्की विक्की में सारा सामान, कि भाई सारा सामान है या नहीं,
ये सब आपको पेपर वर्क से पहले करना है चेक सारे अपना डिपेंड, कोई पार्ट तो नहीं है। वो चेक करने के बाद गाड़ी के अंदर जाके और अंदर के गाड़ी के जो भी फीचर्स हैं, पहले वो फीचर्स जैसे सनरूफ है, सनरूफ चेक कर लेना पूरा प्रॉपर वर्किंग है या नहीं, पूरा सिस्टम चेक करना है ये वर्किंग है या नहीं, कितनी चली है गाड़ी, चले जैसे गाड़ी कितनी चली है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये गाड़ी जैसे 367 किलोमीटर चली हुई है, तो कोई भी गाड़ी जैसे 100 किलोमीटर के अंडर होनी चाहिए, 100 से ऊपर गाड़ी अगर चली है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो डीलर को कि भाई इतनी गाड़ी कहाँ चल गई। तो जैसे कि ये है तो इस पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये गाड़ी हमें नहीं चाहिए तो हमें दूसरी देंगे, मतलब ये सब पेपर वर्क से पहले आप कर सकते हो चेक। एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था कि आप इसमें जैसे नंबर होता है तो सारे शीशों के नंबर मिला सकते हो कि कोई भी शीशा चेंज तो नहीं है, जैसे 6804676 और इसमें भी है 6804676, ऐसे ही गाड़ी के जितने भी शीशे हैं सबके आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कोई पार्ट चेंज तो नहीं है शीशा वगैरह भी। ये गाड़ी अभी लॉन्च होने वाली है होंडा सिटी, ये हाइब्रिड मॉडल है इसका, अभी इसका प्राइस वो नहीं हुआ है डिस्क्लोज, बाकी ये शोरूम में खड़ी हुई है तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को। इसमें शोरूम वाले भैया बता रहे हैं कि इस गाड़ी में अगर 2000 रुपये का तेल डलवा दिया तो 2 महीने तक ज़रूरत नहीं है दोबारा तेल डलवाने की, मतलब इस हिसाब से ये गाड़ी चलेगी हाइब्रिड, मतलब इतनी अच्छी इसकी एवरेज बता रहे हैं, बाकी जब मार्केट में आएगी तब पता लगेगा। तो हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है कि गाड़ी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी और ये अपने आप ही चार्ज होती है चलते चलते, जैसे फ्यूल पे आएगी तो अपने आप चार्ज होती रहेगी फिर बैटरी से चलेगी। बाकी इस वाले में जो अब ये गाड़ी आएगी इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया जो आपको हाईवे पे बहुत काम आएगा, बाकी जब ये मार्केट में आएगी तो धूम मचा देगी।